जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रेल रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल रिंकू रेल ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम नज़र डालेंगे दोस्तों सीतापुर जंक्शन से परसेंडी के बीच में, जो कि मेगा ब्लॉक का काम किया जा रहा है, नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। दोस्तों ये हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने की दिशा टप्पा खजुरिया की दिशा हो जाएगी, या आप कह सकते हैं परसेंडी की दिशा, और सामने आपको OHE मशीन खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, और ये इधर की दिशा हो जाएगी सीतापुर जंक्शन की दिशा। और हम इस समय सीतापुर के जंक्शन के यार्ड में, या आप कह सकते हैं आउटर पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेगा ब्लॉक का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है। हम दोस्तों अब फाइनल दोस्तों हम अब रेलवे ट्रैक पर आ चुके हैं, और आपको सामने OHE मशीन खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, और आप देख सकते हैं वायरिंग का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जा रहा है, जो फाइनल टच दिया जा रहा है। और आपको सामने JCB रेलवे ट्रैक पर दिखाई दे रही होगी, जो कि बैलास्ट डालने का काम कर रही है। हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सामने आपको सामने LED बल्ब भी दिखाई दे रहे होंगे राडेड, जो आपको इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो खंभे लगे हुए हैं उसमें आप नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि रात्रि में जो कोई काम चले तो कोई अटंगा ना लगे काम में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेलवे ट्रैक के में चाबियां ठोंकी जा रही हैं, और काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से लेबर कर रही है, और काफ़ी ढेर सारी मात्रा में लेबर लगी हुई है। अब सामने JCB वगैरह आप देख सकते हैं बैलास्ट को फिल कर रही हैं, काफ़ी 3 से 4 5 मशीनें JCB लगी हुई हैं, लमसम 5 मशीनें JCB की काम कर रही हैं, और देख सकते हैं। और कल हमने वीडियो यहीं से डाला था, वो थोड़ा आगे का है, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था, वीडियो में देखा भी था। और आज देख सकते हैं जो सीतापुर जंक्शन से बुढ़वल की दिशा में रेलवे ट्रैक जा रहा है, ये बाएँ साइड में, और ये हमारे जिस रेलवे ट्रैक पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं JCB बैलास्ट को फिल कर रही है, और सामने आपको लेबर दिखाई दे रही होगी जो स्लीपर वगैरह का सही करने का काम किया जा रहा है, और सामने TBM मशीन अपना ट्रैक पैकिंग का काम कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, और काफ़ी ढेर सारी मात्रा में लेबर लगी हुई है, और आप ऊपर देख सकते हैं वायरिंग का काम भी किया जा रहा है, जो कि फाइनल टच दिया जा रहा है, और काफ़ी ढेर सारी मात्रा में मशीनें वगैरह आ चुकी हैं। और यहाँ पे हम कल आपको वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर ट्रैक को लिंक करना बाकी है, और आज दोस्तों दूसरे दिन जो 20 नवंबर आज दोस्तों है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक को रन थ्रू लाइन दोनों कर दी गई हैं पूरी तरह से, अब सिर्फ ट्रैक पैकिंग का काम रह गया है। और यहाँ से भी दोस्तों देख सकते हैं दूसरी साइड से नीचे JCB लगी हुई है, जो बैलास्ट को फिल कर रही है, और सामने TBM मशीन अपना ट्रैक पैकिंग का काम कर रही है, आप देख सकते हैं। और रेलवे ट्रैक के नीचे बैलास्ट वगैरह आप देख सकते हैं एडवांस में डाल दिया गया है, क्योंकि मेगा ब्लॉक का काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से हो रहा है कि कोई सामान की कमी ना रहे, इसलिए बैलास्ट को काफ़ी पहले से एडवांस लाकर डाल दिया गया है। यहाँ से बैलास्ट को उठा करके JCB वगैरह मशीनें स्लीपर के बीच में डाल रही हैं, और आपको सामने ट्रैक पैकिंग का काम TBM मशीन करते हुए दिखाई दे रही होगी। और दोस्तों ये मशीन NER मंडल की ही है, आपको लिखा भी दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम हो रहा है दोस्तों। और रेलवे सेफ्टी NER मंडल मोहम्मद लतीफ खान जी 24 नवंबर 2021 को CRS करने के लिए सीतापुर से परसेंडी के बीच में आएंगे दोस्तों,
तो CRS स्पीच ट्रायल करवाया जाएगा 24 नवंबर को, तो उसकी भी वीडियो हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों, और अगर दोस्तों हमारा वीडियो बनाकर भेजना चाहते हैं कहीं भी रेलवे स्टेशन से या आपके आसपास नज़दीकी रेलवे स्टेशन से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके वीडियो में शुरुआत में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नीचे क्रेन दिखाई दे रही होगी जो कि स्लीपर ला रही है जो कहीं भी डालना है, और सामने OHE मशीन काम कर रही है, फाइनल टच का काम आप देख सकते हैं वीडियो में। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ रफ्तार से, भविष्य में इस पर काफ़ी ट्रेनें रफ्तार भरेंगी। और दोस्तों इस सीतापुर बुढ़वल सेक्शन पर मालगाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ढेर मात्रा में है। दोस्तों अब हम रेलवे ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ से हम आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं JCB 2 से 3 JCB लगी हुई हैं जो कि बैलास्ट, जो स्लीपर बीच में जो आपको खटाल दिखाई दे रहा होगा उसमें बैलास्ट को फिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया उसको टेढ़ा वेढ़ा जो है उसको सही करने का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं JCB की मदद से। और बाएं साइड में हमारे TBM मशीन खड़ी हुई है जो कि वो ट्रैक पैकिंग का काम कर रही है, वो आपको सामने JCB बैलास्ट को फिल करते हुए दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है, आपको लाइट वगैरह दिखाई दे रही होंगी खंभे में, इलेक्ट्रिक पोल्स में, और राडर दिखाई दे रहे होंगे जो कि रात्रि में भी काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से किया जाना है, तो कोई दिक्कत ना हो, रात में उजाला पूरी तरह से उजाले की व्यवस्था की गई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और बैलास्ट फिल करना बाकी है, यहाँ से भी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारी मात्रा में लेबर लगी हुई है, और भविष्य में इस पर काफ़ी ट्रेनें बढ़ती हैं क्योंकि इस पर मालगाड़ियों का ट्रैफिक ज़्यादा है। और दोस्तों ये सीतापुर से परसेंडी के बीच में जब रेल दोहरीकरण का काम पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा, CRS स्पीड ट्रायल भी हो जाएगा, तो दोस्तों इस पर जो ट्रेनों का ट्रैफिक है वो थोड़ा उसको सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि जो क्रॉसिंग का झंझट फंसा होता है तो वो क्रॉसिंग वाला झंझट नहीं होगा, डायरेक्ट ट्रेनें अब अपने अपने स्थान और अपने अपने रूट पे चल सकेंगी दोस्तों, और एक के बाद एक के पीछे एक ट्रेनें फराटा भरेंगी। दोस्तों हम जब ट्रेनें इस पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगेंगी तो उसका भी वीडियो हम आपको दिखाने की अवश्य कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो के माध्यम से हम आपको सीतापुर जंक्शन के आउटर का व्यू, मेगा ब्लॉक का काफ़ी तेज़ रफ्तार से काम हो रहा है उसका वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाता है और हमको भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब इतनी दूर दूर से वीडियो हम आपके लिए बनाकर लाते हैं। आप देख सकते हैं सामने OHE मशीन आपको दिखाई दे रही होगी जो कि फाइनल टच का काम कर रही है, काम काफ़ी तेज़ रफ्तार से सारे सभी कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। और आप लोगों को जैसा पता भी होगा कि 24 नवंबर 2021 को CRS स्पीड ट्रायल भी करवाया जाएगा, और दोस्तों बता दें एक बात और, 25 नवंबर 2021 जो लखीमपुर बांकेगंज के बीच में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम फाइनल हो चुका है उसका CRS स्पीड ट्रायल मोहम्मद लतीफ़ खान अनियास अलकल के करेंगे जो कि 25 नवंबर 2021 को होगा, तो उसका भी स्पीड ट्रायल व्यू हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आप लोग यहां देख सकते हैं जो हम कल वाले वीडियो में हम आप सभी को दिखाया भी था जो यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी मात्रा में लेबर लगी हुई थी और कैची पॉइंट का काम किया जा रहा था, तो आज दोस्तों रात्रि भर में और दिन एक ही दिन में कैची पॉइंट को और बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, और
ट्रैक पैकिंग का काम भी फाइनल हो चुका है, सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन जो वायरिंग का काम है वो फाइनल टच दिया जा रहा है, वो भी अभी 1-1.5 घंटे में फाइनल हो जाएगा। वो काफ़ी तेज़ता से काम हो रहा है, आपको सामने हम जूम करके दिखाने की कोशिश करें, वहाँ पर वो एची लाइन अपना ट्रैक पैकिंग का वो फाइनल टच देने का काम कर रही है। और आपको रात दिखाई दे रहे होंगे, उजाले की फुल व्यवस्था की गई है क्योंकि रात में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं TBM मशीन इस समय अपना वर्क कर चुकी है, अब आगे जब थोड़ा काम फाइनल कर लिया जाएगा तभी अब TBM मशीन चलेगी। और आपको खंभे पर दिखाई दे रहे होंगे लेबर जो कि वायरिंग को सही करने का काम किया जा रहा है। ये सामने दिशा हो जाएगी टप्पा खजूरिया की, और ये सीतापुर जंक्शन की दिशा। आप जो लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कैंची पॉइंट पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है, और कल यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी मात्रा में लेबर लगी हुई थी, और आज एक ही दिन में कितना शानदार कैंची पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट। और दोस्तों कैंची पॉइंट बनाने का एक ही मकसद है यहाँ पर कि जो सीतापुर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से ट्रेनें आएँ तो सीतापुर जंक्शन के यार्ड के आगे यहाँ आउटर पर यहाँ अपने सही स्थान पे अपने सही रेलवे ट्रैक पर आ सकें, इसलिए यहाँ पर यह कैंची पॉइंट बनाया गया है। और अगर जब इंजन की कपलिंग होगी तब यहाँ से भी इंजन को कपलिंग किया जाएगा, इसीलिए पॉइंट बनाया जा रहा है। और सामने आपको लखीमपुर नेपाल लखीमपुर का बाईपास बिजवार नेपाल पर बाईपास फुटओवर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी थोड़ी बहुत लेबर भी दिखाई दे रही होगी जो कि थोड़ा बहुत जहाँ पर बैलास्ट की कमी है वहाँ पर बैलास्ट डाला जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।